दोस्तों स्वागत है आपका एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे ग्रामर के बारे में, मतलब ग्रामर का अर्थ क्या होता है, ग्रामर की परिभाषा क्या होती है और जो चार मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेडिशनल पॉइंट, इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल पॉइंट और इंसिडेंटल एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये जो चार मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर है इसके बारे में विस्तृत जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द ग्रामर। तो सबसे पहले आसान में समझ जाइए कि ग्रामर क्या है, द सेट ऑफ रूल दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन अ लैंग्वेज। कहने का मतलब है आप जो भी इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सेट ऑफ रूल है जो एक्सप्लेन करती है कि शब्दों को कैसे भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आसान से शब्दों में ग्रामर की मीनिंग समझ जाइए, द सेट ऑफ रूल दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन द लैंग्वेज। ओके, चीजें समझ में आ गई। कुछ और जानते हैं ग्रामर के बारे में। तो ग्रामर को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, इट इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्ड इनटू सेंटेंस। क्या कहने का मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड इनटू सेंटेंस क्या स्टडी ही ग्रामर है, उसका अध्ययन ही ग्रामर है। अ सिस्टम ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल, रूल और प्रिंसिपल का एक सिस्टम है जो स्पीकिंग और राइटिंग के बारे में बताती है भाषा के। सीधा कहने का मतलब यह है कि भाषा के को बोलने और लिखने के बारे में जो बताती है उसी का क्या है, सिस्टम है एक ग्रामर। अब आसान भाषा में जरा समझ जाइए, ग्रामर को इंग्लिश में व्याकरण कहते हैं और व्याकरण की परिभाषा मैंने अपने बचपन में इस प्रकार पढ़ी थी कि व्याकरण वह विद्या है या वह ज्ञान है जो भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना और समझना सिखाती है। इसको हमने हिंदी में पढ़ा था, तो उसी को तो ग्रामर कहते हैं। तो सेम वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है, आसान से शब्दों में समझ जाइए और एग्जाम में यही लिख के आइएगा कि ग्रामर इज द सेट ऑफ व्हाट, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल विच टीच अस टू राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज करेक्टली। समझ में आ गई, भाषा वह ज्ञान है, वह विद्या है, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल विच टीच अस टू राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज करेक्टली। ठीक है, किसी भी भाषा को बोलना, लिखना, समझना शुद्ध रूप से सिखाती है, वही रूल, वही नियम क्या कहलाती है, ग्रामर कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। चीजें क्लियर हो गई, ग्रामर्स की मीनिंग पता हो गई। अब आइए एक डेफिनेशन देखते हैं, डॉक्टर स्वीट। सोचिए नाम ही कितना स्वीट है, तो जब नाम स्वीट है तो इनकी डेफिनेशन भी स्वीट होगी, ऑब्वियसली बात है। इन्होंने बड़ा ही स्वीट साहब ने बड़ा ही स्वीट डेफिनेशन दिया है कि ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स एनाटॉमी। पहले यहाँ समझिए, प्रैक्टिकल एनालिसिस है किसका, भाषा का और भाषा की संरचना का। एनाटॉमी का मतलब होता है संरचना। तो ग्रामर क्या है, एक प्रैक्टिकल एनालिसिस है, प्रैक्टिकल एनालिसिस मतलब विश्लेषण है भाषा का और उसकी संरचना का। ये किसने कहा था, स्वीट महोदय ने। स्वीट महोदय ने बहुत ही स्वीट सा डेफिनेशन दिया है। अच्छा, स्वीट नाम से आप कुछ और इमेजिनेशन करें, उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यही है स्वीट महोदय। ठीक है, आप कुछ और इमेजिनेशन मत करिए। अब देखिए, स्वीट महोदय का पूरा नाम क्या था भाई, ओ हेनरी स्वीट। ठीक है, डॉक्टर ओ हेनरी स्वीट साहब थे जो कि बहुत इंग्लिश के बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने ही ये डेफिनेशन दिया था कि ग्रामर इज द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स एनाटॉमी। ठीक है, तो डॉक्टर स्वीट, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ले आया कि आपके एग्जाम्स में इजिली याद हो जाएंगे, नाम भी याद हो गया और इनका डेफिनेशन भी याद हो गया। ठीक है, तो स्वीट, अगर नाम आपको मिस्टेक हो जाए तो आप समझ जाइए आपको जो जिस नाम से बुलाता है, जस्ट जोक्स अपार्ट, तो इनका नाम था क्या भाई, डॉक्टर स्वीट। ठीक है, अब आइए देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर देखने से पहले आप मुझे एक बात बताइए कि जो स्वीट महोदय थे उनकी वाइफ से इनका अक्सर झगड़ा होता था, वजह बताइए। वजह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इन वीडियो के एंड में मैं खुद बता दूंगा, लेकिन आप बताइए कि स्वीट महोदय की वाइफ से स्वीट महोदय का हमेशा झगड़ा क्यों चलता रहता था। आइए बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर की। तो देखिए, चार मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर होते हैं, स्पेशली चार, मोस्टली चार। पहला कौन सा भाई, डिडक्टिव मेथड जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। सेकंड है इंडक्टिव मेथड जिसको इनफॉर्मल मेथड भी कहते हैं। और तीसरा था इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड और चौथा है इंसिडेंटल मेथड। ये चार मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर हैं। ओके, वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। डिडक्टिव मेथड को क्या कहते हैं, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेडिशनल मेथड। जब बात ट्रेडिशनल की होगी तो ट्रेडिशनल का मतलब वही पुरानी नियम, वही पुराने संरचनाओं के आधार पर ग्रामर को पढ़ाना। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, वो टोटली बुक रिलेटेड है, मतलब टेक्स्ट बुक से पढ़ाने का माध्यम होता है। देखिए, इन दिस मेथड द ग्रामर इज टेकन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड टॉट विद द हेल्प ऑफ ग्रामर बुक। ओके,
द टीचर यूज अ ग्रामर टेक्स्ट बुक ही फर्स्ट टेल हिज स्टूडेंट रूल और डेफिनेशन एंड देन एक्सप्लेन दोज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देन ही गिव्स एक्सरसाइज एंड आस्क पीपल्स टू अप्लाई द रूल्स. ये चीज़ें समझ में आई नहीं आई होंगी बिल्कुल. अब देखिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है ती हैं आएंगे वो क्या होगा वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट कराएगा. तो आपने क्या किया सबसे पहले टेक्स्ट बुक के माध्यम से आपने बच्चों को नियम बता दिए नियम समझा दिया और फिर आपने एग्जाम्पल दिया और कहा कि इस पे वो नियम अप्लाई करो. तो यही ट्रेडिशनल मेथड होता है यही डिडक्टिव मेथड होता है. द टीचर यूजेस द ग्रामर टेक्स्ट बुक ही फर्स्ट टेल हिज स्टूडेंट्स रूल और डेफिनेशन देन एक्सप्लेन दोज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड देन ही गिव्स एक्सरसाइज एंड आस्क पीपल्स टू अप्लाई दैट रूल. चीजें समझ में आ गई. लेकिन इसका नुकसान क्या है भाई इसमें बच्चों को पहले नियम याद करना पड़ता है फिर कहते हैं स्ट्रक्चर याद करो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स तो उनको ये स्ट्रक्चर भी याद करना पड़ता है. तो द लर्नर आर सपोज टू मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन और मेमोराइज द डेफिनेशन ऑफ दैट ग्रामर एंड द रूल ऑफ द ग्रामर. तो क्या होता है बच्चों को इसको याद करना पड़ता है और दिस मेथड इज नॉट वेरी इफेक्टिव. सीरियसली बात है कि जब आप इंग्लिश ग्रामर को आप इस तरीके से पढ़ाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा. कहने का मतलब आप यहां पे समझ जाइए डिडक्टिव मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड में होता क्या है कि ग्रामर टेक्स्ट बुक से पहले बच्चों को उनके रूल्स और डेफिनेशन याद कराए जाते हैं फिर एग्जांपल के माध्यम से उसे एक्सप्लेन किया जाता है और बच्चों को एक्सरसाइज दिया जाता है और कहा जाता है कि उस रूल को यहां पे अप्लाई करो. ठीक है इसमें ग्रामर ही फर्स्ट टेल्स हिज स्टूडेंट रूल और डेफिनेशन एंड देन एक्सप्लेन दोज विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड देन ही गिव्स एक्सरसाइज एंड आस्क पीपल्स टू अप्लाई द रूल. ठीक है तो समझ में आ गई चीज़ें इसको ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं. और जब ट्रेडिशनल मेथड है तो इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं और कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं. तो इसकी एडवांटेज सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि कोई भी मतलब आप एवरेज टीचर कैन यूज दिस मेथड. ठीक है बहुत आसान सा मेथड है क्योंकि किताब से देख के एक्सप्लेन करके पढ़ाना है. ठीक है इट इज बेस्ड ऑन द थियरी. ये थियरी पे बेस्ड होता है फ्रॉम जनरलाइजेशन टू एग्जाम्पल. पहले जनरलाइजेशन सामान्यकरण करें फिर उसका एग्जाम्पल दे दे. तो ये बिल्कुल थियरी बेस होता है. दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू कंपेयर द आइडियाज इन द ग्रामर ऑफ अ मदर टंग एंड इन एंड सेकंड लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज. कहने का मतलब ये है कि जब ये जो मेथड है ना वो बच्चों को इस बारे में आइडिया देती है कि वो अपने मातृभाषा से कंपेयर कर ले फिर उसको सीखे. द लर्नर कैन ट्राई द ग्रामेटिकल क्वेश्चन वेरी इजिली. ठीक है बहुत आसानी से ग्रामेटिकल क्वेश्चन को कर लेते हैं एंड द लर्नर कैन रिस्पॉन्ड effectively and can explain the rule structure etc. तो उसके रूल और स्ट्रक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये तो एडवांटेज हो गया ट्रेडिशनल मेथड का. और इसकी डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है ट्रेडिशनल मेथड का. डिसएडवांटेज क्या है भाई कि दिस मेथड कैन नॉट डेवलप द कम्युनिकेटिव अवेलेबल. मतलब कहने का मतलब कोई बहुत ये देखिए यही सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ग्रामर के इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल जानने के बाद भी हम लोग अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. क्यों क्योंकि हमने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा है. तो इसी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि दिस मेथड कैन नॉट डेवलप कम्युनिकेटिव एबिलिटी. समझ में बात. The learner become inactive during the classroom. बच्चे inactive हो जाते हैं. This method is not child-centered but teacher-centered. Okay? And in this classroom, the teacher is hardly use audio-video as well. कहने का मतलब है कि इसमें आप उपकरण audio-visual use नहीं कर सकते हैं traditional method में. और ये non-interesting होता है. As per the student interest, it is not interesting. ठीक है traditional method बहुत ज़्यादा interesting नहीं होता है. ये focus करता है कि इस पे remember करने पे, memorize करने पे, याद करने पे इसको focus करता है. तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए. चीजें समझ में आ रही हैं उम्मीद है दोस्तों आ रही होगी. अब बात कर लेते हैं इंडक्टिव और इनफॉर्मल मेथड. ये बिल्कुल इसके अपोजिट है. ठीक है जो भी आपका डिडक्टिव मेथड था ना इसके अपोजिट है इंडक्टिव मेथड. ठीक है ये ट्रेडिशनल था ये इनफॉर्मल था. अब इसमें देखिए क्या आता है इंडक्टिव मेथड इज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल मेथड. अब इसमें क्या होता है इसमें पहले बच्चों को एग्जांपल से समझाया जाता है उसके बाद उनको क्वेश्चन. देखिए पहले इन दिस इन द इंडक्टिव मेथड द टीचर फर्स्ट प्रेजेंट और टेक्स द एग्जांपल. समझ में आ रही बात. एग्जांपल लिया जाता है उनके पहले प्रस्तुत किया जाता है फ्रॉम द स्टूडेंट देन कम्स ऑन द थियरी. उसके बाद थियरी और कॉन्सेप्ट पे आया जाता है. ठीक है इंडक्टिव मेथड द टीचर फर्स्ट प्रेजेंट और टेक्स एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टूडेंट देन कम्स ऑन द थियरी ऑफ कॉन्सेप्ट. वहां पे क्या आ रहा था पहले थियरी कॉन्सेप्ट बता दीजिए फिर एग्जाम्पल बताइए और क्वेश्चन दे दीजिए सीधे. लेकिन यहाँ इंडक्टिव मेथड ऐसी बात नहीं है. दिस मेथड इम्प्लीज टीचिंग ऑफ अ ग्रामर नॉट बाय रूल बट इट्स यूजेस. समझ में आ रही बात. उसके नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स में नहीं कहा जाता इसमें पहले रूल के आधार पर इसमें टीच बच्चों को पढ़ाया जाता है. तो दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ अ ग्रामर नॉट बाय द रूल्स बट बाय यूजेस थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग राइटिंग ग्रामर कैन बी टॉट एंड देयरफॉर द लर्नर लर्न बाय स्टूडेंट. अब देखिए कहने का मतलब समझ जाइए. इसमें क्या होता है भाई
कंटिन्यू प्रैक्टिस जब करते हैं बच्चे किसकी स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग की, और उसी के आधार पे बच्चों को इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, एक बार और बस पढ़ लेते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। दिस मेथड इम्प्लाइज टीचिंग ऑफ अ ग्रामर नॉट बाय रूल बट बाय यूजेस थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स थ्रू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वर्ड्स वाइल स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग ग्रामर कैन बी टॉट therefore the learned by the student। तो ग्रामर को सिखाया जा सकता है बच्चों को सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो चूंकि ये बहुत इनफॉर्मल मेथड है और बहुत ही डेवलप मेथड है तो इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं रहेंगे। तो पहले देख लेते हैं एडवांटेज क्या है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल इन द क्लासरूम। ठीक है भाई, दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन पर्टिकुलर नोशंस इन द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज वन एंड लैंग्वेज टू। ठीक है, तो लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू के डिफरेंस को इजिली बच्चे समझ जाते हैं। This method is child centered, okay? Obviously बात है, और child interesting for the children या फिर interesting for the learner, okay? The learner learn the particular grammar point through uses, ठीक है? जब बच्चे use करके पढ़ेंगे तो वो particular points को समझ सकते हैं, okay? इसका disadvantage छोटा सा है, वो क्या है भाई कि this method is not useful in overcrowded classes, बहुत ज़्यादा भीड़ हो इस method से पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है, okay? लॉन्ग टाइम टेकिंग है और स्किल्ड टीचर रिक्वायर्ड चाहिए इस मेथड को पढ़ाने के लिए। तो ये दोनों समझ में आ गई होंगी दोस्तों। उसमें क्या था भाई, क्या था, कहाँ गया? हाँ, तो देखिए डिडक्टिव में क्या था कि पहले आपको बच्चों को रूल और नियम्स डेफिनेशन याद कराना है फिर एग्जांपल देना है। यहाँ क्या था, पहले एग्जांपल से समझाना है उसके बाद आपको उनको रूल और नियम और थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे जाना है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा पॉइंट का मतलब है इंसिडेंटल मेथड। इंसिडेंटल मेथड को क्या, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज द कोरिलेशन और रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग। इसको कोरिलेशन मेथड और रेफरेंस मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, दिस मेथड हेल्प स्टूडेंट टू कोरिलेट ग्रामर विद द अदर रिलेटेड लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दिस मेथड द ग्रामर इज टॉट इंस्टेंटली वाइल टीचिंग द टेक्स्ट बुक ट्रांसलेटिंग अ पैसेजेस और ड्यूरिंग कॉम्पोजिशंस। कहने का मतलब है कि जब आप बच्चों को टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं, जब बच्चों को पैसेजेस ट्रांसलेट करा रहे हैं और या जब कॉम्पोजिशन करा रहे हैं, उसी के दौरान ही ग्रामर पढ़ाना इंसिडेंटल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर कहलाता है। टेक्स्ट बुक पढ़ाते के साथ साथ, ट्रांसलेशन के साथ साथ और कॉम्पोजिशन कराते के साथ साथ ही ग्रामर पढ़ाना, इसी को इंसिडेंटल मेथड कहलाता है, इसी को रेफरेंस मेथड कहते हैं, इसी को कोरिलेशन मेथड भी कहते हैं, और ये सबसे बेस्ट होता है। देखिए इंसिडेंटल मेथड के बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज और एडवांटेज नहीं है, ये काफ़ी सिमिलर है इनफॉर्मल से, इंडक्टिव से, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लगभग यही होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है। देखिए आप इंडक्टिव पढ़ चुके हैं और डिडक्टिव पढ़ चुके हैं, तो जब बात करते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव की, तो ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर दोनों चीज़ें यूज़ की जाएंगी। ठीक है, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों चीज़ें यूज़ की जाएंगी। ख़त्म करते हैं वीडियो को। देख लीजिए, This method of teaching grammar proves very successful and advantageous as it's become practical, real and scientific. कहने का मतलब है जब दोनों चीज़ें यूज करेंगी तो ये क्या होगा, ये it become practical, real and scientific. तो this method of teaching grammar proves very successful and advantageous. Okay? अब देखिए, इट फॉलोज ऑल द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड पीपल्स आर नॉट फोर्स टू क्रैम द रूल्स। बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता है कि रूल्स को याद कीजिए। दिस मेथड इज ऑल्सो स्टिमुलेट द पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। ठीक है, उनकी पावर ऑफ सोचने की क्षमता और रीजनिंग की क्षमता को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है, प्रोत्साहित करता है, उद्दीपन करता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई। इसमें क्या था भाई, इसको कैसे पढ़ाते हैं, इसका स्टेप देख लीजिए। इस मेथड में कैसे पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स आर गिवन सम एग्जांपल्स सिमिलर टाइप, मतलब एक सिमिलर टाइप के एग्जांपल दीजिए, फिर स्टूडेंट से कहिए कि इनमें सिमिलैरिटी फाइंड आउट करो और इसको ऑब्जर्व करो, है ना। तो स्टूडेंट्स ट्राइंग टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज बाय एनालाइजिंग और ऑब्जर्विंग दिस एग्जांपल्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ड्रॉ सम कंक्लूजन्स, और उनसे कहा जाता है कुछ कंक्लूजन निकालो, देन द टीचर विल गिव द रूल एंड गिव न्यू एग्जाम्पल एंड आस्क हर पीपल्स टू वेरीफाई द रूल्स। मतलब इसको पहले आप उन्हें प्रैक्टिकली करा के, मतलब आसान से तौर पे बताया जाता है कि पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि इसमें ग्रामर्स के रूल फाइंड आउट करो, फिर उसी आधार पर एक और आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा दोनों को सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करो, एक कंक्लूजन निकालो, और फिर टीचर एक्सप्लेन करेगा उस रूल के बारे में, और फिर टीचर एक नया एग्जाम्पल देगा और कहेगा उस रूल को यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, तो बहुत ही आसान मेथड होता है ये और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। कहने का मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव, मतलब
दोनों तरीके से, जहाँ जिसका यूज हो उस तरीके से पढ़ाइए, ठीक है। तो देन द टीचर विल गिव द रूल्स एंड गिव न्यू एग्जाम्पल एंड आस्क हर स्टूडेंट टू वेरीफाई द रूल्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद है दोस्तों कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ा कि चार जो मेन रूल होते हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो चार मेथड कौन कौन से, डिडक्टिव, इंडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव एंड इंसिडेंट मेथड, इसको ट्रेडिशनल इनफॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, प्लीज। हाँ चलिए एक बात कर लेते हैं खत्म करने से पहले वीडियो कि मैंने क्या कहा था कि इनकी वाइफ से इनकी हमेशा झगड़ा होता था। क्यों होता था? इसलिए कि मोहल्ले की सारी लड़कियां इनको हाय स्वीट कह के बुलाती थी, जो भी आती थी कहते थे हाय स्वीट हाउ आर यू, तो उन्हें इस बात को अच्छा नहीं लगता था कि हाय कोई दूसरी लड़की कैसे मेरे हस्बैंड को स्वीट कह के बुला सकती है, मजबूरी थी, इनका नाम ही था स्वीट। सो गाइस दिस वाज अ जस्ट अ जोक, देयर इज नथिंग टू डू विद द रियलिटी, डोंट टेक इट सीरियस, ओके, बट एक मजाक था, पर हाँ ऐसा, चलिए ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये रहा आपके लिए लास्ट, थैंक यू सो मच, प्लीज़, ओके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और हाँ कुछ एक अच्छी चीज़ ये है आपके लिए कि ये जो भी चीज़ मैंने बताया उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके और भी जो सब्जेक्ट्स रह गए हैं उसकी PDF आप वहाँ पर पा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप PDF चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके PDF ले लीजिए। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, PDF आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी वीडियो आपको, कैसा लगा आपको ये जानकारी, और प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।